दोस्तों, पहले के जमाने में लड़ाइयाँ बैटलफील्ड पर लड़ी जाती थीं, जिसके बारे में हम सब हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते ही हैं। लेकिन आज युद्ध और युद्ध करने के तरीके दोनों में ही बदलाव आ गया है। आज का युद्ध बैटलफील्ड में नहीं बल्कि साइबर स्पेस में लड़ा जाता है। गोली बारूद बम की जगह मालवेयर्स ने ले ली है और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और हैकर सोल्जर बन गए हैं। और यह सारी लड़ाई हो रही है जमीन के लिए नहीं बल्कि डेटा के लिए। कई बार तो दो देशों के बीच होने वाली यह डिजिटल और मॉडर्न वॉर लोगों को नजर भी नहीं आती। इन अटैक का तो पता भी नहीं चलता और ऐसे कई अटैक चाइना इंडिया के ऊपर कर चुका है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने निकलकर आ रही है कि चाइना भारत के खिलाफ नई कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहा है। अब चाइना ऐसी कॉन्स्पिरेसी भारत के साथ समय समय पर करता ही रहता है। अब चाहे वो इलीगल तरीके से भारतीय सीमा में एंटर करना हो या अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत के खिलाफ आवाज उठानी हो, चाइना यह सब करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन इस बार चाइना भारत के खिलाफ जो साजिश कर रहा है वो और भी खतरनाक है। दरअसल चाइना हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए वह इंडिया के ऊपर साइबर अटैक्स प्लान कर रहा है। और यह सब करने के लिए चाइनीज आर्मी की यूनिट 6-9-0-10 का मेजर रोल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना की पूरी आर्मी से भी भारत को उतना खतरा नहीं है जितना खतरा भारत को चाइना की साइबर यूनिट 6-9-0-10 से है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि यह साइबर यूनिट 6-9-0-10 क्या है और यह भारत के लिए अपनी आर्मी से सबसे बड़ा खतरा क्यों है। आइए जान लें कि चाइना की साइबर यूनिट 6-9-0-10 का नाम वर्ल्ड मीडिया में इतना क्यों आ रहा है। इस सब की शुरुआत होती है जून 2021 से, जब साइबर सिक्योरिटी फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने चाइना के साइबर अटैक और स्पाइंग पर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की। और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चाइना अपने पड़ोसी देशों की जासूसी कर रहा है और ऐसा करने के लिए उसके पास एक डेडिकेटेड ग्रुप है जिसका नाम है रेड फॉक्स ट्रॉट। दोस्तों, यही ग्रुप इंडिया के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और माना जाता है कि यह ग्रुप कोई और नहीं बल्कि चाइना का साइबर यूनिट 6-9-0-10 है। दोस्तों, चाइना की पीएलए यूनिट 6-9-0-10 चाइना की एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट है जो 2015 से पहले लोंगजाओ मिलिट्री रीजन सेकेंड टेक्निकल रिकॉनिसेंस ब्यूरो के नाम से जानी जाती थी, जिसे बाद में नेटवर्क सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ पीएलए स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स एसएसएफ के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। दोस्तों, ये यूनिट 6-9-0-10 चाइना के वेस्टर्न कमांड पर भारत, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया पर नजर रखता है और इसके पास कई ऐसे ग्रुप हैं जो साइबर अटैक पियोनाज के लिए जाने जाते हैं। इसी ग्रुप ने भारत के गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर कंपनी बीएसएनएल पर भी अटैक करने की कोशिश की। साथ ही में ऐसा माना जा रहा है कि डीआरडीओ पर भी इस ग्रुप का टारगेट था। इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रेड एको नाम का ग्रुप भारत की जासूसी कर रहा था। दोस्तों, इस यूनिट 6-9-1-0 के और भी ग्रुप की बातें करें तो टोंटो टीम, टिक और नाइकॉन ग्रुप भी इसी यूनिट का हिस्सा है। लेकिन रेड फॉक्स ट्रॉट की जिन एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया गया है उससे दावा किया जा रहा है कि पीएलए का सबसे एक्टिव साइबर अटैक ग्रुप ये ही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यूनिट 6-9-1-0 के हेडक्वार्टर की सैटेलाइट इमेज भी दिखाई गई है जो कि उरुमकी सिमगोउ डिस्ट्रिक्ट में है। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी एमएसएस और यूनिट 6-9-1-0 इन दोनों ने मिलकर ही साल 2020 के बाद साइबर एस्पियोनाज की एक्टिविटीज को एक्सेलरेट किया। दोस्तों, यूनिट 6-9-0-10 के बारे में इस रिपोर्ट से पहले बहुत कम जानकारी थी। चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।